इन क्षेत्रों में आ रही है भारी बारिश तेज हवाओं के साथ। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपको दोस्त नवीन शर्मा। दोस्तों आज हो चुकी है 25 जुलाई और मौसम विभाग ने 25 से 26 जुलाई का मानसून अलर्ट जारी कर दिया है। तो कैसा रहने वाला है मानसून का संभावित प्रदर्शन, आइए जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबा लें, इससे अपडेट रहें आप देश की सभी कैटेगरी के अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। तो चलते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं क्या रहेगा मानसूनी सिस्टम। दोस्तों मानसून ट्रफ रेखा पश्चिमी राजस्थान से उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए नागालैंड तक फैली हुई है। इस समय मानसून ट्रफ रेखा बीकानेर से उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमालय, पश्चिम बंगाल और असम होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भागों तक फैली हुई है। मध्य पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब के इलाकों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और वहीं उत्तरी कोंकण, गोवा और उससे सटे पूर्वी मध्य अरब सागर पर एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन चुका है। इसके अलावा एक ट्रफ रेखा इस सिस्टम से मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी आंध्रीय कर्नाटक और तेलंगाना होते हुए तटीय आंध्र प्रदेश तक फैली हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के इलाकों में तथा दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी असम के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश देखने को मिली है। वहीं केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के उन स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश तथा एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है, जबकि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मौसम शुष्क बना रहा। अगले 24 घंटों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, कोंकण, गोवा के भागों और कर्नाटक के तटीय इलाकों में मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दक्षिणी गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरल और आंतरिक कर्नाटकों के भागों में मानसून के सामान्य बने रहने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के दूसरों पर मानसून में कमी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से रहेगा मानसून का प्रदर्शन 25 और 26 जुलाई को। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट मानसून को लेकर वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सब लोग जान सके मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट को और मानसूनी अपडेट को और सावधान सतर्क रह सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। तब तक लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।